नए बागों की स्थापना। फलों की सफल व्यावसायिक बागवानी के लिए बाग लगाने से पहले कागज पर वृहद योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। बाग लगाने की योजना बनाते समय आगे बताए जा रहे मौलिक सिद्धांतों पर अमल करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है, तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें, तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। नए बाग की स्थापना के लिए दूसरा जो प्रमुख पहलू आता है, फल एवं उनकी उन्नत किस्मों के चुनाव। व्यवसायिक दृष्टिकोण से उत्पादकों को चाहिए उनकी फल वृक्ष का चुनाव करें जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो। आइए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल एवं उनकी उन्नत किस्मों की। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौध की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें, जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सकें। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं, साथ ही मिट्टी की पिंडी टूटने न पाए। नए बाग की स्थापना में तीसरा पहलू है बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। वर्गाकार विधि, यह बाग लगाने की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पेड़ की दूरी बराबर रखी जाती है। बाग की प्रारंभिक अवस्था में दूसरी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। षटभुजाकार विधि, इस विधि में वृक्ष समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर लगाए जाते हैं। पेड़ों की दूरी बराबर परंतु पंक्तियों की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि की तुलना में 15 अधिक पौध लगाए जा सकते हैं। पंचम विधि, किसान भाइयों, यदि आपने स्थायी बाग में किसी और फल वृक्ष को अस्थायी रूप से लगाने की योजना बनाई है, तो ये विधि उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि के वर्ग के केंद्र में यदि एक पेड़ को और लगा दिया जाए तो इसे पंचम विधि कहते हैं। नए बाग की स्थापना में चौथा प्रमुख पहलू है फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं फल वृक्षों की दूरी। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं पौध से पौध की दूरी पर। नए बाग की स्थापना में पांचवा प्रमुख पहलू है गड्ढे की खुदाई एवं भराई। किसान भाइयों, रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर खूंटियां गाड़ दी जाती हैं। अब इन खूंटियों को मध्य मानकर वृक्षों के अनुसार आवश्यक माप का गड्ढा खोद लेते हैं। खुदाई के समय ऊपर की गहरे रंग की मिट्टी को एक तरफ और नीचे की मिट्टी को दूसरी तरफ रखना चाहिए। किसान भाइयों, बाग लगने के 1-1.5 महीने पहले गड्ढे की खुदाई कर खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कीड़े एवं उनके अंडे सूर्य की तेज गर्मी व हवा से खत्म हो जाएं। नीचे और ऊपर की मिट्टी से कंकड़ पत्थर चुनकर फेंक दें। खुदाई के 15 से 20 दिन पश्चात नीचे की मिट्टी में 40-45 किलोग्राम कंपोस्ट खाद मिलाकर पुनः गड्ढे में भर देना चाहिए और अच्छी तरह दबा देना चाहिए। फिर ऊपर की मिट्टी में 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 15 से 20 किलोग्राम कंपोस्ट खाद तथा 20 से 25 मिलीमीटर
क्लोरोपाइरीफास को थोड़े से पानी में मिलाकर मिट्टी में मिलाकर गड्ढे में भरना चाहिए और पैरों से दबा देना चाहिए। गड्ढा जमीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर तक ऊपर भरना चाहिए। अब इनका थाला बनाकर पानी देना चाहिए। पेड़ लगाना। पेड़ लगाने का सबसे उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक है। इसे अगस्त माह तक भी लगाया जा सकता है। खेत में रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर गड़े खूंटियों के पास पुनः पौधे की जड़ पर लगी मिट्टी की पिंडी के बराबर का एक छोटा गड्ढा खोद लें और सावधानी से पौधों की जड़ को इसमें डालें और किनारे से मिट्टी डालकर दबा दें। पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी देना चाहिए। फलों के बागों की घेराबंदी। जिस भूमि में बाग लगाना है उसकी घेराबंदी एक आवश्यक पहलू है जिससे बाग की सुरक्षा की जा सके। ये कार्य फलों के लगाने के पूर्व ही संपन्न कर लेना चाहिए। वायु अवरोधक वृक्षों की रोपाई। बाग के वृक्षों को आंधी तूफान से काफी क्षति होती है। इससे बचाने के लिए बाग के चारों तरफ अवरोधक वृक्ष जैसे आम, जामुन, शीशम आदि के पौधों को कम दूरी पर सघन लगाते हैं, जो कि हवा के झोंकों को रोककर मुख्य वृक्षों को आंधी तूफान से बचाते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों बताई गई बातों को ध्यान में रखकर बाग लगाने की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ बाग की स्थापना कर सकते हैं।